देश के प्रधानमंत्री ने एक तरफ जहां स्वच्छ भारत मिशन अभियान का सपना देखा है, तो अमेठी में भी शासन के निर्देश पर अब धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की कवायद की जा रही है। जी हाँ, धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल के परिसर के अंदर और आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरीके से प्लास्टिक मुक्त बनाया जा रहा है। पहले धार्मिक स्थलों से इसकी शुरुआत की जा रही है और धीरे धीरे यह कारवां बढ़कर गांव की ओर अग्रसर होगा, जहां गांव में भी प्लास्टिक मुक्त अभियान को पूरा कराया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है और स्थानीय ग्रामीणों को भी जागरूक किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग के निर्देश पर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके से ही यह कार्यक्रम लगातार जारी है और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके से अब तक कई गांव में यह जागरूकता अभियान सफल रहा है। आपको बता दें कि जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत यादव के निर्देश पर पूरे जनपद में सफाई कर्मचारियों के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों को स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत आसपास गंदगी न फैलाने और प्लास्टिक का प्रयोग करने से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद में विशेष स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर के आसपास की दुकानों में प्रयोग किए जा रहे सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त करने के साथ साथ ग्राम पंचायत को प्लास्टिक कचरे का प्रयोग न करने की शपथ दिलाई जा रही है। जनपद में लगातार यह कार्यक्रम जारी है। आज भी 60 बोरियों में करीब 1.5 क्विंटल प्लास्टिक को एकत्र कर गांव-गांव जागरूकता अभियान का कार्यक्रम चलाया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी बताते हैं कि पहले इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा, बाद में यदि इन नियम का कोई उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माने का भी प्रावधान कर उससे अर्थदंड वसूला जाएगा। अभी सिर्फ जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम लोग जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर से लेकर लगातार जो है हम गांव को प्लास्टिक मुक्त घोषित करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमने लिया है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं पहले उनको करेंगे, इसके बाद फिर जो जहाँ बाजार के ग्राम पंचायतें हैं उनको करेंगे, फिर उसके बाद यानी ग्राम पंचायतों को। सर जो मतलब अभी तो जागरूकता की जा रही है, बाद में अगर इन लोगों इसका पालन नहीं करते हैं तो कुछ इसके लिए हम लोग ग्राम सभा के स्तर से जो है प्रदूषण फैलाने का जो धारा है उसके अंतर्गत इनको जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक सर, जुर्माना वसूला जाएगा।